चश्मा उतार देना चाहिए ना, अच्छा लग रहा है, तुम बोल दो ठीक है। सर सामने सामने मोहन क्या कर रहे हैं? राइट साइड में, राइट साइड में एक जन, राइट साइड सब आ जाओ। अच्छे से बनाओ, सामने सब सामने सेंटर में। गाइस आप सबने गाना देखा किसी ने भी? अगर देखा है तो बताना कैसा लगा। हमारे डायरेक्टर पीछे हो, क्या बोला भाई? आ जाओ आ जाओ लखवीर, प्लीज आ जाओ। गाइस फोकस करना हमारे प्रोड्यूसर्स पे प्लीज। यस यस यस। कास्ट एंड डायरेक्टर आएगी। अरे मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साथ में, डायरेक्टर एंड डायरेक्टर साहब सो मेरी कास्ट जो फीमेल वाली थी वो आज चंडीगढ़ में, वो आ नहीं पाई, वो बिजी थी अपने प्रोजेक्ट में। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। लुक सेंटर सामने सब लोग यहाँ पे सेंटर सर सामने सामने सेंटर में सब लोग यहाँ पे। सेंटर में सेंटर में डन डन डन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब बाइक बाइक टेबल कुर्सी लगाओ। सेंटर सेंटर थोड़ा इधर लेफ्ट में आ जाओ। बस 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 सेंटर कैमरा ये रोनित म्यूजिक कंपोजर, मैं भी हूँ सिंह राजपूत सिंगर, और ये हमारे एक्टर। ओके थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो कुछ देखा जाए तो बारिश खत्म हो रही है और ठंडी का मौसम भी धीरे धीरे माइनस होते जा रहा है, उसी बीच में गाने का है। कितने ज्यादा एक्साइटेड इस गाने को लेकर और ऑडियंस से क्या कुछ उम्मीद है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जैसे आपने कहा बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हमने गाना हिट किया है, क्योंकि यही मौसम है सुनने का, रोमांटिक सॉन्ग्स और बॉलीवुड सॉन्ग्स। और हमने बहुत सबने बहुत मेहनत की है एंड द सॉन्ग हैज़ कम आउट अमेजिंगली। इफ़ आई टॉक अबाउट द विजुअल, इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑडियो, एवरीथिंग इज़ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जो आउटपुट बाहर आया है तो बस यही आशा करता हूँ कि सबको ही बहुत अच्छा लगे, उस सबको पसंद आए। And it goes to the audience, it goes to the mass.
अगर पैसा कहीं लगता है सही जगह लगे तो बहुत खुशी होती है। बहुत अगर इस गाने की अगर बात करेंगे इस गाने के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चीजें इन्वेस्ट करनी क्या वजह है? देखिए पहले है ना मैंने ये गाना जब सुना तो मुझे मालूम नहीं था कि मतलब ये रफ है ये वो है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने राज से मिला, फिर राज ने मुझे सारे चीज़ें बताई और फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है तो लूप सेंटर तो इसके लिए फिर है ना हम लोगों ने ये गाना डिसाइड किया। और ये लव सॉन्ग है तो काफ़ी मतलब इंडिया में ज़्यादातर है ना लोग आशिक भरे हुए हैं सच्चाई तो इसके लिए मतलब मैंने ये लव सॉन्ग चूज किया था और अभी यहाँ पे हम लोग हैं यहाँ सब आशिक है आशिक। देखो ऐसा है कि ये गाना जैसे ही हमने पहली बार सुना था तो एट द मोमेंट हमने डिसाइड किया था कि अगर गाना हम लोग अगर ये मतलब एल्बम बनाते ये वीडियो बनाते तो डेफिनेटली इसको अच्छे से शूट करेंगे, अच्छे लोकेशंस पे शूट करेंगे अच्छे। और सबसे अच्छी बात हुई कि हमारे टीम में सारे लोग हमें बहुत अच्छे मिले तो एक कॉम्बो पैक मिला इसलिए हम लोग आज हम लोग यहाँ बैठे। थैंक यू। ये हमारी टीम के लिए बात थी टीम हैंगओवर रिदम। हैंगओवर रिदम इज लाइक मैंने 10 साल पहले अपना एक लॉन्च खोला था पटना में तो उसका नाम था हैंगओवर लॉन्च। तो वहीं से मेरे को क्लिक हुआ कि अगर कुछ म्यूजिक में अच्छा करना है तो वो ब्रांड वही रखूँगा मैं बट ये म्यूजिक से कनेक्ट होगा इस बार। और आइडिया वहीं से आया था। अभी 10 साल बाद इसको किया बहुत मजा आया मुझे करके। करेक्ट। एक बार हॉलीवुड मूवी देखा था हैंगओवर करके तो वो मूवी देख के इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया था कि मतलब ये जो वर्ड है ये जो हैंगओवर वर्ड है ये कनेक्ट हो गया मैं तो बस लगा कि अब अगर लॉन्च खोलना है तो इसी नाम से, कुछ म्यूजिक बनाना है तो इसी नाम से, कुछ और भी करूंगा तो इसी नाम से। मेक सेंस। जी बिल्कुल। यार ये गाने को मेन जब सेम जो शुभम भाई ने बोला हमने जब ये गाना सुना तो इस गाने में एक अलग फील है जो मैं भी चाहता था कि ये मैं गाना करूँ। ऑफकोर्स मेरा जॉब भी है बट उसके साथ कहीं ना कहीं एक आशिक मैं भी हूँ एक सब होता है तो एक कनेक्ट होता है यार गाना। तो ये गाना कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट हुआ और हमने सोचा लेट्स डू दिस। और इसमें हमारे सिंगर एक्टर्स बहुत प्यारे हमें मिले इसलिए आउटकम भी बहुत अच्छा आया है एंड वी होप कि आप सबको भी पसंद आएगा। थैंक यू। एज एन एक्टर मैं आपसे जो है गोरी तुम आपके साथ रात सर कैसे लगे के साथ काम करके कैसे एक्सपीरियंस है कैसा टीम वर्क है? यार टीम बहुत स्मूथ है। मतलब हम दो दिन थे मनाली में और जब भी हम शूट पे जा रहे थे हम शॉट कर रहे थे कुछ भी कर रहे थे व्हाटएवर वी वर्किंग मतलब बहुत स्मूथ था सब कुछ काम एंड एवरीथिंग। ऐसा लगा ही नहीं कुछ बर्डन है चलो कुछ। एंड एक होता ना कि एक सामने से प्रोडक्शन से हमें एक वाइब मिलती है कि एक वो एक इतना अच्छा एक माहौल मिलता है कि हम उसमें अपने आप को और ज़्यादा वो फील करते हैं कि यार कितना कंफर्टेबल हूँ मैं अबाउट डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। और मतलब पहले दिन ही ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो बस एक फ़न ट्रिप पे आया हूँ वकेशन पे आया हूँ मैं शूट करने आया नहीं था ऐसा लग रहा था मुझे। सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। रोना नहीं है भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। इन शॉर्ट मैंने पहले भी काम किया राज के साथ एंड इट इज़ ऑलवेज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम और बहुत बढ़िया था यार मज़ेदार आ गया काम। ओ भाई ये तो मैं बोलूँ पहले चुनौती हमारा एक सीक्वेंस है इसमें रात का जिसमें बहुत प्यारा सेटअप बनाया सबने क्रिएटिव टीम ने एंड एवरीवन। भाई बहुत ठंड लग रही थी और कपड़े जो मेरे पसंद करे और जो स्टाइलिस्ट लाए थे जो मुझे पहनाए दैट वाज जस्ट अ लेयर और बहुत ठंड लग रही थी मुझे पता है मैंने उस ठंड में मुझे पीछे से कॉल आ रही है रोमांस
रोमांस मैं ऐसे हो रहा हूँ कि भाई ओके फिर गाना चलता है मैं तेरा हुआ ये लड़की है मैं तेरा हूँ फुल फील में थे भाई अपने पूरा फील लिया है गाने का मतलब ऐसा कहीं बोरिंग पार्ट नहीं है गाने में आप लोग भी जब देखोगे तो ऐसा फील होगा कि नहीं ये प्रॉपर कनेक्ट मतलब आपको सीन दोगे आपको नहीं लगेगा मुझे ठंड लग रही है पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी बहुत अच्छी है वो एज अ को एक्टर और उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तो विच केम आउट वेरी गुड उसके बाद एक और गाना मैं पहले कर चुका हूँ घर वालों विच इज ऑल्सो 8 million ऑन यूट्यूब तो दिस वॉज अ सेकेंड ट्रैक विद हर एंड इट वॉज अमेजिंग गुड एक्सपीरियंस विद हर ऑलवेज शुभम आई एम विवेक देखो जब मेरी फर्स्ट जब मैंने ये गाना सुना था तो मतलब ऐसा नहीं जमा नहीं था सच पूछो तो जमा नहीं था लेकिन इसको 2-3 बार 4 बार ट्राई किया कि सुन तो धीरे 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 गाना अच्छा लगने लगा और 10 बार सुना तो बहुत अच्छे लगने लगा फिर लगा कि नहीं अब अगर फिर रात से मिलने के बाद सब कुछ हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया कैसे काम करना है क्या करना है सारे डिसीजंस लिए तो उसके बाद फाइनली फिर हुआ कि नहीं एक कॉन्फिडेंस आने लगा धीरे धीरे अब कोई काम करते हो तो पीछे से मतलब अगर कुछ लोग ऐसे मिल जाते जो कहते हैं नहीं सर आप चलो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ तो ये राज ने करके दिया और आई एम सो मच थैंकफुल टू हिम पूरे टीम ने जो मेरा पूरा टीम था दे वे फैबुलस दे वे सुपर्ब इन देयर एक्सपर्ट दे वे ब्यूटिफुल इन देयर वर्क आई लव देम अभी पहली बार काम किया लग रहा था कि 100 करके बैठा हूँ उन लोगों के साथ विवेक भाई बहुत इमोशनल है ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं ये सेट पर भी बहुत बार इमोशनल हो गए थे तो और ये बहुत अच्छे इंसान है और इनकी वजह से हम सब लोग बहुत अच्छे से हमने सबने अपना अपना काम किया है बिना किसी हेजिटेशन की नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना नहीं हमने सब कुछ मिलके किया है और बिकॉज ऑफ दीज गाइज शुभम भाई और विवेक भाई दे आर वेरी गुड और खासकर मैं कनेक्ट रहता हूँ शुभम भाई से इनसे बहुत परेशान करता हूँ मैं बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है हमारे और भी गाने आ रहे हैं और भी बहुत सुपरहिट गाने हैं जो हमने लिए हैं बना रहे हैं आने वाले टाइम पर आपको देखने को मिलेगा Stay tuned guys. Thank you. ढेर सारा प्यार दे हमारा वीडियो देखे साथ में कनेक्ट रहे बस यार आप ऐसा एक्टर क्या उम्मीद है सर अपने ऑडियंस से हार्ड वर्क है एक वीडियो के पीछे तो बस आप उस हार्ड वर्क को देखो और बहुत अच्छा निकला है आउटपुट क्योंकि सब जो भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं इवन अभी मैं आया तो इवन द व्योम ने मुझे बताया कि उस द सिंगर ऑफ हर सॉन्ग कि आउटपुट बहुत अच्छा निकला है सब आके एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो वही अगर सबको अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली ऑडियंस तक जाए कई बार क्या होता है चीज़ें आती है और वो ऑडियंस तक जाती नहीं मैं ये चाहता हूँ कि अभी हमने लेबल नया स्टार्ट किया है इट शुड एक्चुअली गो टू द ऑडियंस टू द मासेस और हमारा गाना 100 million 1 billion हो यही चाहते हैं बस और क्या बढ़िया सवाल आने वाला मुझे ऐसा लग रहा है नहीं करेक्ट यूनिकनेस तो चाहिए और यूनिकनेस आई थिंक हमारे वीडियो में थी हमारी केमिस्ट्री विच आई कैन से मेरे और मेरे को एक्टर की केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल और बहुत खूबसूरत आई है जो गाने को एक जस्टिफिकेशन दे रही है आई थिंक एक यूनिकनेस वो है एंड आई थिंक हमारा शूट अगर आपने देखा है तो द वे द शूट हैज़ कम आउट मैं फ्रेम्स की बात करूँ मैं
पीछे की टेक्निकलिटीज़ की बात करूँ, मतलब मैं जनरली मैं बहुत म्यूजिक वीडियोज़ देखता हूँ, आई एम एन एक्टर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई बीन एक्टिंग एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रेफरेंसेज. तो जब मैं देखता हूँ तो अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा हूँ मनाली है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर टीम. वो ऐसा लग रहा है कि बाहर का ही शूट हुआ है. सो दो फ्रेम्स आर वन यूनिकनेस. आई थिंक आर केमिस्ट्री इज़ वन यूनिकनेस. एंड ऑब्वियसली वो विजुअल ऑडियो का जो एक जो परफेक्शन बाहर आया ना, एक दैट फ्लेवर विच हैज़ कम आउट, आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक. व्योम की आवाज़ और हमारी पूरा प्रोडक्शन का पूरा जो चीज़ बाहर आई है, दैट इज़ वेरी यूनिक, विच आई थिंक विल ऑडियंस विल रिकग्नाइज इट एंड फील इट. हमारे प्रोड्यूसर्स अगर बोले कुछ इस बारे में. आप लोग ने गाना सुना? या मैंने सुना. कैसा लगा आपको? मुझे कहीं ना कहीं जैसे कि मेरा सवाल आया बट आपने सवाल अच्छा पूछा. ये गाने एक्चुअली आजकल आ भी रहे लव सॉन्ग बहुत सारे, बट इसमें हमने थोड़ा डिफरेंट ये करने की कोशिश करी है कि होता क्या ना, हर कोई हार्ट ब्रेक लेकर आ रहा है. ये हार्ट ब्रेक नहीं है पहली बार. इट्स अ लव रोमांटिक सॉन्ग. ये लव रोमांटिक सॉन्ग है जहाँ पे एक स्टार्टिंग हैप्पी से होता है, एंडिंग भी हैप्पी से हो रहा है. ठीक है, आप जैसा विजुअल्स आप देखोगे जाके तो बहुत प्यारे हैं और हार्ट ब्रेक कहीं नहीं है इसमें. दिल जुड़ रहे, टूट नहीं रहे. तो दिस इज समथिंग डिफरेंट जो अभी गानों में हो रहा है कि हर किसी का दिल टूटा हुआ है. इसमें दिल नहीं टूटा, इसमें दिल जुड़ा. देखो मुझे तो ये पूरा जो भी था मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा. अब वो आप लोग बताओ कि आप लोग कैसा फील करते हो. ये रोमांस आप लोग जो देख रहे हो, वो जो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग हर इंसान कुछ फीलिंग रखता है. आपका फीलिंग्स क्या कहता है? आप लोग को अच्छा लगता है तो प्यार दो. और बाकी मेरा जो काम था हम लोगों ने तो अपना बेस्ट करके दिया है. अभी आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग करो. थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत खुश हैं हम सब. भाई अपना गाना आगे जा रहा है तो ऑब्वियसली सबको खुशी होती है. एक कलेक्टिव टीम वर्क होता है, सबके साथ काम करके बहुत मजा आता है. डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, एक छोटा बंदा भी यूनिट क्रिएट करता है तो सबके लिए बहुत अच्छा है. और स्पेशली हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आए. बस मैं यही दुआ करूंगा कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा. ये गाना हमारा बेबी जैसा है. हाँ बहुत मेहनत से बनाए हम सभी ने. जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से उतना हमारे लिए अच्छा है. और आगे और भी गाने हैं हम जो आने वाले हैं और क्रिएटिव माइंड में हम और भी चीज़ें अच्छी निकाल के देंगे. तो बस सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का और गाना ऐसे हम बढ़ाते रहे, बस यही चाहिए हमें. तो मुझे लगता है ये कि ये हर कपल की स्टोरी है तो बस उसी को स्क्रीन पे लाए हैं, तो जो फील किया तो वही सामने लिख रहे हैं. नहीं मेरी टीम बढ़िया है क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ, तो हम एज ए फ्रेंडली काम करते हैं. जो भी हमारा सेट पे काम होता है तो वाइफ के साथ ही होता है, तो ऐसा नहीं कुछ कि कोई मुंह बना के भी लेगा वैसा नहीं, तो सब मज़े में काम करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती. आपने कहा जनरेशन चेंज हो गई है, राइट, बट आज भी लोग रफ़ी साहब से लेके किशोर दास से लेके अरिजीत सिंह को लेके सोनू निगम से लेके सुन रहे हैं गाने. आज भी लोग सुनते हैं वो ठीक है, लोफी इज डिफरेंट बट मेरा ऐसा मानना है म्यूज़िक को लेके, अगर आपके म्यूज़िक में सोल है, गाना अच्छा है, आप 100 साल बाद भी सुनोगे आपको अच्छा ही लगेगा, लोगों को पसंद ही आएगा. इफ़ इट्स सोलफुल देन यू विल लाइक इट डेफिनेटली. नो मैटर जनरेशन 5 साल का सुन रहा है, 18 साल का सुन रहा है या 60 साल का सुन रहा है, गाना अच्छा होना चाहिए. तो हम लोग के हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से गाना हमारा बहुत अच्छा है.
और आप लोग को भी अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल घुलता है रंग जैसे तुझ में हूँ मैं घुला दरिया तू मैं तुझ में कतरा सा मिला मेरा हुआ है तू सब कुछ तुझ में मैं हमें अब रहूं मैं तेरा हुआ हूँ तेरा हुआ हूँ मैं मुझ में नहीं हूँ मुझ में नहीं हूँ मैं तेरा हुआ हूँ खोसा गया हूँ मैं मुझ में नहीं हूँ। ये इस सवाल का जवाब अगर कंपोजर साहब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। ये गाने के जान ये भी याद है और गाया तो मैंने बट गाना पूरा इनका कंपोज किया हुआ है। तो बताओ सर आजकल ऐसा माहौल हो गया कि गाना इंस्टेंट फेम एक महीने सबको याद रहता है फिर उसके बाद गाने भूल जाते हैं सब। तो आजकल सब लोग ये सोचते हैं कि कैसे एक बार में गाना हिट हो जाए। ये गाना वैसा नहीं है, ये गाना आपको याद रहेगा, एक साल बाद भी आप इसको प्ले करके सुनोगे तो आपके मेमोरी में रहेगा। ये वैसा गाना, ये फेम पाने के लिए ये गाना हमने नहीं बनाया। ये गाना मैंने लॉकडाउन के दौरान कंपोज किया था, वैसा ये कंसेप्ट मेरे माइंड में था उस समय से। फिर हम लोग मिले, हमने गाने पर काम किया। शिखा जोशी ने फीमेल पार्ट गाया है। हाँ, शिखा इस गाने की फीमेल सिंगर है, वो यहाँ पे नहीं आ पाई अपने घर पे एक्चुअली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शिखा ने बहुत अच्छा गाना गाया है और मेरा शिखा के साथ ये पहला काम था तो उसने भी इस गाने को जस्टिफाई कर दिया, फीमेल पार्ट को पूरा जस्टिफाई किया है, मेल पार्ट मैंने गाया। तो थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच एंड वी आर मिसिंग यू राइट नाउ। थैंक यू सो मच। गाने को जाओ सुनो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हैंगओवर रिदम्स को। सो हैंगओवर का जो अगला गाना आने वाला है उसके स्टार कास्ट है हमारे आदित्य चौधरी एंड प्राची सिंह, और इस गाने में भी इन लोगों ने बहुत हेल्प किया है बिकॉज वी आर शूटिंग इन मनाली और हम पूरा क्रू एंड कास्ट के साथ गए थे वहाँ पे। सो यस, बस यही हमें इंट्रोड्यूस करना था दोनों को ताकि जब हम अगली बार मिले तो आप लोगों को भी पता रहे कि हमारे जो क्यूट से स्टार्स हैं वो बहुत जल्दी चमकने वाले हैं। थैंक यू। भाई मत पूछो यार, लग रहा है कल ही कर दो लेकिन कर नहीं सकते। तो दोनों गाना आप नहीं है, जितना हैंगओवर हमारा उतना आप सभी का भी है, तो थोड़ा वेट करो आएगा। तो अभी जैसे ये गाना आया है तो आप इस गाने को बहुत सारा प्यार दो, इसके बाद फिर हमारा भी गाना आने वाला है तो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो बस जैसे इसको प्यार दोगे उसको भी वैसे ही आप सबको प्यार देना है, बस वेट करना थोड़े टाइम के बाद फिर बस आने वाला है। वो जब आएगा तब पता चलेगा। आएगा तब पता चलेगा, नहीं उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी। अगर आप चाहते हो तो उसको हम ट्राई करेंगे कि हार्ट ब्रेक कर दे, स्पेशली इनको हार्ट ब्रेक कराना है तो हम करा देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूं हार्ट ब्रेक हो ना, लाइफ में मेरा नहीं हुआ तो मैं तो चाहूंगी किसी का ना हो, सो दैट्स व्हाई। अच्छी गाने हैं और कैसा क्या कुछ होने वाला है, कुछ हिंट बताना चाहे आपको देना चाहे। हिंट अभी तो मैं बोलूंगी इस गाने पे फोकस करो, अभी ये वाला जो गाना है आप लोग उसको देखिए और उसका वेट करिए क्योंकि वो थोड़ा अलग है और फिर जब तक कुछ सस्पेंस रहेगा तभी तो सही है ना, आप फिर वेट करोगे। और ट्रस्ट मी दोनों गाने आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बात करें इस गाने की, कैसा लग रहा है आपको गाने को, प्रोडक्शन, गाने की आवाज, ये सब कुछ लेकर देखा जाए एज एक्टर आपका क्या एक पर्सनल लुक आप लोगों को इस गाने को लेकर। बेसिकली हम खुद वहां पे थे
तो हमने सारी चीज़ें देखी हैं कैसे कैसे क्या हुआ है, तो अभी आप देख ही रहे हो रिजल्ट, गाना आउट हो चुका है हमारा, बस खूब सारा प्यार दो और क्या। बिल्कुल, आपने देखा होगा अंशुल और मुस्कान, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है गाने में, मैंने अभी देखा आते वक्त क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही आया है, और आप सब देखो, और जैसे इन लोगों ने बताया कि इनकी क्योंकि इन लोग पहले से फ्रेंड्स हैं तो इनकी केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल लग रही है, बहुत ही अच्छा है सब कुछ, तो मुझे तो पर्सनली गाना बहुत पसंद आया, स्पेशली जो वॉइस है गाना, सिंगर ने इतना अच्छा गाया है, तो डेफिनेटली अभी आपने लाइव भी सुना। करेक्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। चल बंद कर, रुक जा, शाम रुक जा।